everyone, this is Hadia Khan. So welcome back. I hope you guys doing well. तो अभी मैं जिस वीडियो की रिएक्शन देने वाली हूँ वो है उर्फी जावेद रोस्टेड मी एंड गॉट एंग्री. तो और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उर्फी ने इन्हें जवाब दिया. तो देखते हैं यार, इससे बॉलीवुड में और इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें होती रहती है ना, मतलब फन बनता रहता, दिल लगा रहता बंदे का. तो आप स्टार्ट करते हैं. अभी डायरेक्ट देखने से पहले जो भी चैनल पर नहीं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना. आप स्टार्ट करते हैं. So, उर्फी जावेद हम पर गुस्सा हो गई. किस बात पे? मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए कि उर्फी ने आपको स्टोरी में रोस्ट कर दिया. मैं बोला है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. उर्फी टाइम पास से हटकर प्रोडक्टिव चीजें करने लगी. ऐसे कैसे चलेगा दीदी? देखिए जरा उर्फी ने क्या लिखा मेरे लिए. बेसिकली मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे को उर्फी का फैशन सेंस पसंद नहीं और मेरे को बहुत फोर्स लगता है. उस पे उर्फी दीदी को मिर्ची लग गई यार. यूट्यूब पे ये तो सच है, लिटरली गालियां देते हैं, कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं. इधर एक प्यारा सा बच्चा कुछ थोड़े से जोक्स मार दे बिना गाली दिए, रात को फोन कर देता है, स्टोरी पे टैग कर देता है. आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर. उर्फी ने कुछ ऐसी स्टोरी डाली जो कॉमेडी इज फॉर. पैसा डबल हो जाएगा ना रे. मुझे पिछले वीडियो से लिटरली क्रॉप करके निकालना पड़ा आपका सेगमेंट, क्योंकि यूट्यूब के अनुसार ये वीडियो अश्लील है. बंद करो ये कैमरा, बंद करो सब. मैं नहीं बोल रहा लेकिन मैं पैसे तो नहीं कमा पा रहा हूँ. यूट्यूब के अनुसार आप जो वीडियोस बनाते हो वो अश्लील है, इसलिए मेरी वीडियो डिमोनेटाइज हुई. वेयर डिड यू गेट योर फैशन डिग्री फ्रॉम? तो मैंने कहाँ से ली उस पे फर्क नहीं पड़ता, आपने कहाँ से ली उस पे फर्क पड़ता है, बता दो ताकि मैं लोगों को बोलूं कि वहाँ मत जाओ. मैं एक अनपढ़ गवार आदमी हूँ. सही बात है, ऐसे पैसे कमाने से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरे फैशन से प्रॉब्लम है. मैंने बोला नहीं पसंद, उसमें क्या बिग डील? आप भी बोलो आपको मैं नहीं पसंद, खत्म कर देते हैं ये रिश्ता. खत्म. फिर क्या, उन्होंने ये एक और इमेज डाला, इतने सारे सिम कार्ड्स, ने सिम कार्ड दे लेकिन एक भी नंबर पे फोन नहीं आता है क्या? कैसे कपड़े मत पहनो, ये अच्छे नहीं लग रहे. फिर क्या, एक और स्टोरी डाली. कितनी हिपोक्रेसी वाली बात है, मतलब आप मेरे फैशन के नाम से पैसे कमाओ चलेगा, मैं मेरे फैशन के नाम से पैसे कमाऊँ वो नहीं चलेगा, वो आपको गलत लगता है. वाह, काहे के था भाई, आंखों पे जो दो दो डिस्प्ले पहने है ना, डिस्प्ले के थ्रू देखो ये सारे जोक्स है. और समझो मैंने कभी नहीं बोला कि आप पैसे मत कमाओ, डिस्प्ले उतार के देखो, कमाओ आप फलो फलो क्या यार. ऑनेस्टली देखो, मैं जानता हूँ आप बहुत ही मेहनत करती हो, हिम्मत का काम है जो आप कर रही हो. यार आपको जो देखते हैं उन्हें भी हिम्मत लगती है अगर वो घर वालों के सामने आपके वीडियोस देख रहे हैं. तो गूगल पे भी आपको जितनों ने सर्च किया है यही सर्च किया कि हु इज उर्फी जावेद. हु इज उर्फी जावेद? फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है. रास्ते पे किसी को पूछोगे ना कि उर्फी जावेद कौन है, वही है जिसको हगेश ने रोस्ट किया था. ओह माय गॉड, वही है. अभी मैं क्या बोलूं, पीस. आप कमाओ पैसे या नो हेट, लगता है लफड़ा होने वाला है. हगेश भाई थोड़ा लफड़ा मत करो, तीन चार कवरेज के एपिसोड मिस हो जाते हैं. आई बेट यू डिड वेलकम एवरीवन टू द न्यू एपिसोड ऑफ द लेट नाइट कवरेज शो. तो शुरुआत करते हैं यूट्यूब एंड बॉलीवुड की न्यूज से. यूट्यूब एंड बॉलीवुड का एक कोलैब हुआ है, इस आप सबको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं. आपने तो देखा ही होगा, बॉलीवुड हॉलीवुड से कॉपी करता आ रहा है, बॉलीवुड साउथ से कॉपी करता आ रहा है, लेकिन बॉलीवुड अब सीधा यूट्यूबर से कॉपी करने लगा है. मतलब तो अभी अक्षय कुमार की एक लेटेस्ट फिल्म आई कठपुतली, जो कि अगेन साउथ की रीमेक है, बट मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा. बट ये मूवी को सुमड़ी में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया. सबको पता था थिएटर में पैसे की जगह सिर्फ गाली कमाने वाली, लेकिन ऑडियंस के साथ साथ फिल्म के राइटर को भी इंटरेस्ट नहीं था मूवी में. भुवन बम की वीडियो देखते देखते लिख रहा होगा, भुवन बम की वीडियो ही लिख दी. पहले भगवान, फिर माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर परिवार के बाकी लोग, फिर बेस्ट फ्रेंड, फिर गुरुजी. घर में कुत्ता नहीं है? What? नहीं, नीचे से टॉप पे है तो. हाँ, लेकिन बेटा उससे पहले रब होते हैं, उसके बाद होते हैं माँ बाप, फिर होते हैं भाई बहन, फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त, फिर पड़ोसी, कब जाके गुरु. घर में कुत्ते नहीं. गुड गोइंग भाई, जिस हिसाब से जा रहे हो ना, खुद पे किए गए रोश की लाइंस भी एक दिन उठा लोगे. और क्या बॉलीवुड की बात चल रही है तो बात करते हैं एक और आने वाली बॉलीवुड की बायोपिक की. बायोपिक हम सब कंटाल गए, बायोपिक से नहीं चाहिए अब बायोपिक्स. और अगला क्या, राखी सावंत की बायोपिक बनेगी? नहीं, बस करो बायोपिक. तो बॉलीवुड में एक फिल्म बन रही है रानू मंडल पे. यस, रानू मंडल की बायोपिक बन रही है. क्या मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं? हम मतलब बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड मूवीज देखना छोड़ दें या हम घर बैठे बैठे जहर खा लें या हम ये दुनिया छोड़ के मतलब सीधा ऊपर पहुंच जाए, ये मतलब चाह क्या रहे हैं हमारे साथ?
अभी दो फ्लॉप मूवीज आई थी, अभी ये फिर एक और आ रही है, फिर उसी बात फिर एक और आ रही है। मतलब यार तुम लोग जिंदा मर जाओ गाइस, तुम लोग मेरे साथ। देखो आई नो स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग होगी लाइफ की, बट सोच रहा हूँ एंडिंग क्या होगी, क्योंकि अभी तो रानू मंडल ये कर रही है। अच्छा रीलर होगी भाई, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर भाई हिमेश रेशमिया और रानू मंडल की शादी दिखा दी ना मूवी में तो ही मैं मूवी देखूंगा, वरना मैं तो नहीं देखने वाला मूवी। बेचारे हिमेश पे दया आती है, कोई भी पाप कर लेगा किसी को ब्रेक नहीं देगा कभी। कोई नहीं भाई, और क्या न्यूज़ आ रही है, वुमेन्स आईपीएल होने वाला है फाइनली। वाओ, आई एम रियली हैप्पी, पता है क्यों? बिकॉज़ फाइनली आरसीबी के जीतने के चांसेस बढ़ गए, बट इसके साथ साथ ये भी चांसेस हो गए कि आरसीबी मेंस और वुमेन्स दोनों में हारेगी। क्रिकेट के लिए देखना वुमेन्स आईपीएल, ठीक है, वुमेन्स के लिए क्रिकेट के लिए देखना। मेरे को तो आज तक समझा ही नहीं भाई ये मेंस आईपीएल से ही कैसे पैसे कमाते, उधर तो वुमेन्स भी चालू कर दिया है लोग ने। एक्चुअली एक ऑडियो बुक सुनी थी मैंने, द आइडिया ऑफ आईपीएल, जिससे भारी ज्ञान मिला मेरे को। इसमें क्या क्या बताया, कैसे विराट कोहली गंभीर का लफड़ा हुआ था आईपीएल में, जिस वजह से गंभीर आज भी, बाकी फिक्सिंग और लड़कियों की कंट्रोवर्सी जो आईपीएल में हुई थी, समझ में आएगा कैसे सब बिहाइंड द सीन्स चलता है। सिर्फ क्रिकेट देखो मत, ऑडियो बुक सुनो और जानो कि क्रिकेट के पीछे क्या होता है। तो ये द आइडिया ऑफ आईपीएल ऑडियो बुक मैंने कार चलाते हुए कुकू एफएम पे सुनी थी, यस सुनी थी। इसके अलावा कुकू एफएम पर हर टाइप का ऑडियो कॉन्टेंट मिलेगा, दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स मिलेगी। आप बताओ, बुक पढ़ने के लिए आप बुक्स खरीदते रहते हो, लेकिन अब बुक खरीदने की जरूरत नहीं, एक बुक के पैसे में आपको हजार ऑडियो बुक्स मिलेगी। मतलब पैसे बचेंगे, 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपको मिलेगी सिर्फ 399 रुपीज में, वो भी एक साल के लिए। बट ऑब्वियसली मैं हूँ तो तुम्हारे लिए डिस्काउंट भी है, आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो थगेश50, तो ये सारी ऑडियो बुक्स का खजाना आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपीस में। 190 इतने का तो भाई मैंने पास्ता खाया था परसों, बट इतने में भाई आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन क्या है, अभी ज्यादा भी नहीं कर सकते, सिर्फ 250 यूजर्स के लिए मैं जुगाड़ कर पाया हूं पहले, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाओ और ऑफर क्लेम कर लो दूसरों से पहले। और क्या अगली न्यूज आ रही है गुजरात से। तो गुजरात में एक शादी हुई थी कपल की, अच्छी खासी शादी हुई थी, 8 साल तक शादी चली कपल की, एंड 8 साल बाद लड़की को मालूम पड़ा कि उसका हस्बैंड पहले लड़की था, फिर उसने अपना जेंडर चेंज करवा के लड़का बन गया। ये मैंने सुनी है। 8 साल लग गए जन्ने में। हाँ नहीं सीरियसली सोचने वाली बात है। आशिकी मूवी रिवर्स हो गया। फिर क्या वाइफ ने डायरेक्ट FIR कर दी हस्बैंड पे। किस? ये कपल वडोदरा का था, मेरे को समझ नहीं रहा वडोदरा में हो क्या रहा है भाई। कोई लड़की खुद से ही शादी करके खुद के साथ ही हनीमून जाती है, तो कोई कपल ऐसा पहला क्या हो रहा है वडोदरा में, सूद आई जे भाई। बढ़ते सीधा नीचे साउथ में हमारे सेगमेंट में चुमेश्वरी। चुमेश्वरी साउथ में आज न्यूज है केरला से, एक्चुअली केरला के एक ऑटो ड्राइवर की। तो केरला के ऑटो ड्राइवर ने कुछ दिन पहले लोन के लिए अप्लाई किया था 3 लाख के, एंड फाइनली उसका लोन अप्रूव हो गया था। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ भाई, को 25 करोड़ की लॉटरी लग गई। नाइस, 25 करोड़ भाई ने 3 लाख बैंक के मुंह में फेंक के, नहीं बोलते तेरे 3 लाख, चल ये ले 3 लाख रख ले, पढ़े बच्चों के लिए मिठाई भी ले आना जा। सीरियसली भाई 1-2 लाख भी नहीं, पूरे 25 करोड़ की लॉटरी। बट बात ये है कि इसको पूरे 25 करोड़ नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ कोई भी लकी ड्रॉ या किसी भी गेम शो के विनिंग्स में, जैसे कौन बने या करोड़पति होता है, 30% सरकार ले लेती है। Wow! Yes! इतना ही नहीं भाई, उसमें से 2.5 करोड़ तो इसको एजेंट को देने पड़ेंगे। भाई ये लॉटरी एजेंट बनने का प्रोसेस क्या है कोई बताएगा? हमें खुद नहीं पता। भाई के पास 12.5 या 13 करोड़ आएंगे, बस 13 करोड़। बट भाई अगर आप इस बारे में सोचो कि आदमी जीवन भर में शायद एक बार ऐसी लॉटरी जीतता होगा, सरकार टैक्स डिपार्टमेंट तो रोज जीतती है, ये जीते या वो जीते टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा जीतता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे ये बात, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है। कोई नहीं मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा टैक्स डिपार्टमेंट को, कांग्रेचुलेशंस। मतलब बचपन में मैं वो चीटोस मारता था, उसमें भी टैसो नहीं निकलता था, इतनी बुरी किस्मत थी। यहाँ तो देखो 25 करोड़, देखो 12 करोड़ अगर FD में भी डाल देना, वो 5% के हिसाब से महीने का 5 लाख, तो उसको ऐसे ही मिल जाए इंटरेस्ट। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। बढ़ते आप क्या हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। तो यूपी
पुलिस ओपी में आज न्यूज है यूपी के बरेली। तो बरेली के एक पुलिस स्टेशन में दो पुलिस वालों के बीच मजबूत झगड़ा हो गया। क्यों? पुलिस वालों के बीच ही आपस में झगड़ा हो गया। थिंग इज कि वहां के एक पुलिस ऑफिसर का लेडी कांस्टेबल के साथ कुछ अफेयर वगैरह था। पूरे गांव सिटी ने उनको देखा था बाइक पे मस्त कबीर सिंह जैसे घूमते हुए। पुलिस वाले को बड़ी चिंता थी। ये सही लाइफ है, इसकी लाइफ सही है यार। तो इस बात पे क्या उसने सुना दिया उसको, फिर दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया। और आर्ग्यूमेंट इतना हुआ कि भाई सामने वाले की बंदूक लेकर गोली चला दी लवर ने। बड़ा इंटेंस लवर है भाई, है आशिकी 3 में इनको ले लो। जलता था साला मजनू। और इतिहास गवाह है, जब जब एक औरत के पीछे दो आदमी भागते हैं तब तक बवाल होता है। बेचारा फिर क्या सस्पेंड हो गया। कहते हैं ना हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि हर अनसक्सेसफुल आदमी के पीछे भी औरत का हाथ होता है। कोई नहीं, बरेली की बर्फी यूपी ओपी। आगे क्या बढ़ते हैं हमारे वेरी लव सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहार के नवाड़ा में एक शादी होने वाली थी और दूल्हे के फैमिली ने मस्त लड़कियों वालों से दहेज वहेज सब ले लिया था। एकदम प्रिपरेशन चालू हुई थी और दूल्हा कल्टी ले लिया। मतलब दिन तक दूल्हा दिख नहीं रहा था। फिर क्या, एक दिन मार्केट में दूल्हा दिख गया। कैसे भाग रहा है बे, भूत पकड़ा गया। मुझे मुझे हेरा फेरी का वो सीन याद आ गया। ए, चल पानी पूरे लगा। फनी थिंग इज कि यहाँ पर दूल्हे को ब्लेम किया जा रहा है, दुल्हन को ब्लेम किया जा रहा है। भाई गलती किसी की नहीं है, जबरदस्ती शादियां मत कराओ, सब ठीक हो जाएगा। आपका नाम नवादा है भैया, ऐसे नवादा करके भाग मत जाओ सैया। गुड वर्ड प्ले। ओके, बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। It's now or never। छपरी में आज न्यूज़ है अफगानिस्तान से। जैसे आपको पता होगा अफगानिस्तान में अभी तालिबान का राज चल रहा है। तालिबान ने रिसेंटली अभी पबजी गेम बैन करा दिया। जिसमें आपको बता दूं, इसलिए नहीं क्योंकि डेटा चाइना जा रहा था और बच्चों वाली, इसलिए क्योंकि तालिबान के अनुसार पबजी गन वायलेंस प्रमोट करता है। What? अच्छा तो ये तालिबान को चाहिए कि लोग मोबाइल में ना खेले, रियल में खेले। यार तुम पे ही बना है वो गेम, तुम ही बैन कर रहे हो। क्रिकेट पे ध्यान दो, वर्ल्ड कप जीतने पे ध्यान दो, फिर क्या आईपीएल में साइन होने पे ध्यान दो। पहले पता लगाओ आईपीएल के पीछे क्या चलता है। आपको भी बोल रहा हूँ कॉन्ट्रोवर्सी फिक्सिंग ये सब ध्यान रखने का। नहीं समझ रहे तो आइडिया ऑफ आईपीएल करके ऑडियो बुक है कुकू एफएम पे। और भी हजारों ऑडियो बुक आपको साल भर के लिए सिर्फ 199 रुपीज में मिलेगी अगर मेरा प्रोमो कोड Ragesh50 यूज करते हो। 200 रुपए का तो क्या कुछ खा लेते हैं कचरा। इधर साल भर का ज्ञान मिल रहा है, फटफट ले लो। और ऑफर पहले सिर्फ 250 यूजर्स के लिए मैं जुगाड़ कर पाया हूँ, तो फटफट जाके दूसरों से पहले डाउनलोड कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। ओके गाइस, तो वीडियो बहुत अच्छी थी। और रही बात पबजी की, पबजी बैन का मुझे नहीं पता, मैं घर जाके लाजमी देखूंगी ओपन करके। तो चल रहा है, नहीं चल रहा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बाय द वे, और रही बात उर्फी जावेद की, तो भाई ठगेश ने बिल्कुल सेट की है क्योंकि आपका फैशन सेंस ही है। सो बाय द वे, खैर आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, और जस्ट फन के लिए वीडियो होती तो सीरियस मत लिया करो। तो गाइस फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।